बहुचर्चित बिखरू कांड में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी दोषी मानते हुए उसे बाराबंकी स्थित बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि खुशी दुबे नाबालिग और बेकसूर है, बावजूद इसके उसे फंसाया जा रहा है। अब 21 जून के दिन एक बार फिर इस केस में सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। कानपुर के समाजवादी मुख्यालय में पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कहा गया कि खुशी दुबे को सरकार द्वारा फर्जी तरीके से बनाया गया है, जबकि वो एक नाबालिग लड़की है। इस दौरान कई बार बाल संरक्षण गृह में उसकी तबीयत भी खराब हुई, बावजूद इसके उसके साथ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसे ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। 21 जून के दिन खुशी दुबे की रिहाई नहीं होती है तो हम सभी इस फैसले के खिलाफ शहर भर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जाहिर करेंगे। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर आज ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ, हमारे उपाध्यक्ष श्री सुभाष द्विवेदी जी के साथ में, हम सभी ने ये चर्चा करी कि विक्रू कांड हत्याकांड में जिस प्रकार से खुशी दुबे नाम की महिला, जो कि मात्र अभी नाबालिग है, उसको वही चार्जेस लगे हैं जो चार्जेस विकास दुबे के नाम पे लगे हुए हैं। पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक महिला के पीछे छिपी हुई है और उसको न्यायालय से न्याय की हम लोग आस लगा के बैठे हैं। 21 जून को उसकी जमानत की कार्रवाई पे न्यायालय को निर्णय लेना है। यदि न्यायालय ने ये निर्णय उसकी जमानत का नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है समाज के हर उस व्यक्ति की आवाज़ को उठाने के लिए जिसके प्रति अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के विरुद्ध हमारे सभी लोग, समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ताकि एक महिला के सम्मान को बचा सकें और विक्रू हत्याकांड के असली दोषियों को सामने ला सकें। इस प्रकार जिस प्रकार से ये योगी सरकार ने उस महिला को फंसा रखा है, उसके विरुद्ध समाजवादी पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।